हाय एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप्लाई का प्रिंसेस। और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक नए स्कैम के बारे में, जो कि 2-3 दिन पहले मेरे साथ ही होने वाला था, बट मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस थी तो मैं बच गई उस स्कैम से। तो इस स्कैम या इस फ्रॉड में लोग क्या करते हैं, कुरियर कंपनीज के नाम पे फ्रॉड करते हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा सिनेरियो बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली हम लोगों का जो बिजनेस है, इसमें डेली बहुत सारे पार्सल जाते रहते हैं, तो किसी ना किसी कुरियर पे किसी पार्सल में कुछ दिक्कत आती है डिलीवरी होने में, या किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो एक इंटरमीडिएट कोई जो स्कैमर कंपनी थी, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक वेबसाइट बना रखी है जिसमें एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं ये एड्रेस वगैरह, कस्टमर नेम एड्रेस और ये सारी चीजों के बेस पर। तो मेरे किसी कस्टमर ने क्या किया, डिलीवरी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, जबकि डिलीवरी कस्टमर केयर कोई भी कॉल का नंबर है नहीं। डिलीवरी का कॉल पे वो लोग सपोर्ट नहीं देते, वो सिर्फ ईमेल पर सपोर्ट देते हैं। तो मेरे कस्टमर ने डिलीवरी का कॉन्टेक्ट नंबर सर्च किया तो इसी कंपनी का, फ्रॉड कंपनी का एक नंबर आ गया, और उस नंबर पे मेरे कस्टमर ने कॉल किया। तो उसने बोला उस बंदे ने कि तो उस बंदे ने मेरे कस्टमर को बोला कि मैं आपका ऑर्डर फास्ट डिलीवर करा दूंगा, बस मैं आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होगी और 5 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे फास्ट कुरियर चार्ज के लिए, और आज ही आपका पैकेट डिलीवर हो जाएगा आपके एड्रेस पे। तो मेरे कस्टमर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने मुझे भी कॉल पे ऐड करा। तो जब मेरे पास कॉल आया तो फिर उसने बोला कि मैं आपको एक हाई का मैसेज भेज रहा हूँ मैम आपके नंबर पर, तो आप उस नंबर पे मुझे रिप्लाई करिए। ये देखिए इस तरह का मैसेज आया मेरे पास, और इसने इस मैसेज में एक यूआरएल मैं दिखा रही हूँ, ये यूआरएल इसने भेजा कि इस यूआरएल पे क्लिक करिए, और ये सारी चीजें वो कॉल के दौरान ही बोल रहा था वो बंदा। तो मैंने जल्दी से उस यूआरएल पे क्लिक किया, क्योंकि मैं सिस्टम पे ही बैठी हुई थी, मैंने जल्दी उस यूआरएल पे जैसे ही क्लिक किया तो मैंने देखा कि वो डिलीवरी कंपनी का तो यूआरएल नहीं था। तो मैंने उससे पूछा कि भैया ये डिलीवरी का तो यूआरएल नहीं है। कह रहा मैम मेरा बहुत सारी मल्टीपल कुरियर कंपनीज के साथ मेरा टाइप है, तो हम सबके लिए स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं बना सकते, एक कॉमन बना रखी आप, इसमें कस्टमर का एड्रेस वगैरह सब कुछ आप फिल कर दीजिए, और उसके बाद आपको यूपीआई पिन के थ्रू 5 रुपीज पे करने होंगे, और 5 रुपीज पे होने के बाद आपका ये एक्स्ट्रा चार्ज है 5 रुपीज फास्ट डिलीवरी के लिए, तो हम आपका फास्ट डिलीवर करा देंगे। मैंने कहा ठीक है, कहता मैम अभी कर दीजिए आप पेमेंट 5 रुपए का। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा चेक करके ही करूंगी, और उसके बाद मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने देखा तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट जो उसने बना रखी थी वो फेक थी, और 5 रुपए की पेमेंट करने के चक्कर में वो यूपीआई पिन भी फिल करवा लेते हैं, और जैसे ही उन्हें यूपीआई पिन पता चलती है तो इसके बाद वो लोग आपका पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन, मतलब पूरा आपका अकाउंट भी खाली कर सकते हैं। तो ऐसी बेवकूफी आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए। आज की डेट में मतलब लाखों स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन, मतलब पेमेंट करना जितना इजी है उतना ही रिस्की भी है। तो आप लोग जब भी कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या किसी को भी अपना पिन या ओटीपी तो शेयर करना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, और अगर अगर आपको किसी भी वजह से करना पड़ रहा है तो पहले 10 बार आप उसको चेक करिए। जल्दी में 5 रुपए भी मत पे करिए किसी को भी, क्योंकि ये 5 रुपए पे करने के चक्कर में आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मेरे फिर जैसे ही मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया उसके बाद मेरे कलीग के साथ ऐसा स्कैम हो चुका था, उन्होंने मुझे बताया, और मैंने कहा हाँ मैं तो खुद ही समझ गई थी कि ये एक फेक कॉल है और ये एक फेक वेबसाइट है, वेबसाइट देखते ही पता चल गया था मुझे। तो कह रहे ये कहो कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे तो मेरा ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया, 200-250 रुपए ही थे। तो आप लोग प्लीज, मेरा बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि इस तरह के स्कैम से आप लोग भी बचिए, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ऐसी गलती कभी ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स।